इस चैनल पर आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिर्दोनवा में मुनासिब कीमत के घर दिखाए जाएंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको 5 मरला पर मुश्तमिल डबल स्टोरी कॉर्नर हाउस दिखाने जा रहे हैं जो मलिकाबाद में मौजूद है, शेर रब्बानी मस्जिद के पास है। मज़ीद नवाबाबाद जीटी रोड के करीब पड़ता है और ये एरिया वा कैंट में शामिल होता है। तो ये कॉर्नर हाउस है, तो ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है और इसके पास ही ये मस्जिद है। दो गलियां लगती हैं घर को। घर के आगे जो फ्रंट स्ट्रीट है वो 16 फीट वाइड है। यहाँ से हम इस घर के अंदर दाखिल होते हैं। तो इस घर का जो फ्रंट है वो 25 और लेंथ 45 है। राइट साइड पे इसका ड्राइंग रूम है, आप इसे बैठक कह लें। यहाँ पर अगर बात करें सेवरेज की तो अंडरग्राउंड सेवरेज है। ड्राइंग रूम में अटैच बाथ है और यही बाथ टीवी लॉन्च वाले हिस्से को भी कनेक्ट होता है। इधर भी दरवाज़ा और दूसरी साइड पे भी, और इस ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा गली की जानब है जो कि इस घर की फ्रंट स्ट्रीट कहलाएगी। तो एक ये बाथ सामने बना हुआ है, इसमें नीचे भी सीट है और कमोड भी है और वाटर पॉइंट्स भी मौजूद हैं इसमें। और एक दरवाज़ा ये है जो कि कॉर्नर वाली गली के साथ कनेक्ट होता है और ये ऊपर वेंटिलेशन के लिए जगह बनी हुई है जी। तो बाहर वॉश बेसन और ये बाथ जो आपको ड्राइंग रूम से दिखाया, यहाँ से भी आप इस बाथ को यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इसमें क्लियर आपको दिखा दें कि वाटर पॉइंट तो मौजूद हैं लेकिन इसमें शावर भी है, और अगर आप इसे प्रॉपरली एज ए वॉशरूम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरफ से ड्राइंग रूम और इस तरफ से टीवी लॉन्च का खाता। तो ये इसमें किचन है, क्लोज किचन कहलाएगा ये। ज़रा क्लियर करके आपको दिखा देते हैं, ये क्लोज किचन कहलाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर आपको दिखा रहे हैं, बर्तन वगैरह आप सेट करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर भी शेल्फें बनी हैं और यहाँ पर प्रॉपर स्टोर बना हुआ है सामान रखने के लिए। ये सिंक हो गया इसका। यहाँ से आगे चलते हैं और आपको वन बाय वन इसके बेडरूम दिखाते हैं। तो ये वेंटिलेशन के लिए जगह ऊपर बनी है और ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। यहाँ भी आप ये शेल्फें देख सकते हैं, कोई सामान या शोपीस वगैरह डेकोरेट आप करना चाहें यहाँ पर किसी किस्म का, या बर्तन वगैरह कर सकते हैं। और इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ भी है, और ये ऊपर शेल्फ देखें साइड पे बनी हुई है जहाँ पर आप कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं या डेकोरेशन पीस वगैरह लगा के कमरे की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। और ये इसका सेकंड बेडरूम है। इस रूम का जो दरवाज़ा है वो भी गली की जानब है। और अगर बात की जाए रूम्स डायमेंशन की तो 11.5 बाय 11.25 तक है। और ये इस रूम में लकड़ी की कबट्स हैं। यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, दोनों बेडरूम्स के साथ एक ही बात कनेक्ट होते हैं। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया जिसमें आपको एक ड्राइंग रूम, उसके साथ अटैच बाथ, बाहर पोर्च पे एक बाथ दिखाया और बेडरूम्स के साथ अटैच बाथ और एक किचन दिखाया है। तो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये सेपरेट गेट है इसका। अपस्टेयर्स से हम अगर ऊपर जाते हैं तो उसके लिए हम सेपरेट गेट भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आप यहाँ पर कोई फैमिली किराए पे रखते हैं तो वो अलग रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए। ये हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। ये बीच में गैप रखा गया है, ये दीवारें आप देख सकते हैं, गैप रखा गया इसके बीच में। और ऊपर
इसका किचन भी है, दो बेडरूम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किचन दिखा रहे हैं, ये इसका किचन हो गया जी। और अब इसका इनसाइड व्यू आपको दिखा देते हैं, ये किचन का इनसाइड व्यू। मज़ीद आप कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बाकी ये पुराने डिज़ाइन में बनाया गया घर है, जैसे ये शेल्फें वगैरह आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बर्तन वगैरह आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, उस तरीके से ये बनाया गया घर है। मज़ीद जदीद तरीके से आप किसी और डिज़ाइन में इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। घर हो तो बंदा बहुत सारी चेंजिंग ला सकता है उसमें। ये इसका ऊपर फर्स्ट बेडरूम है, जिसके साथ ही ऊपर नीम छत्ता और उसके नीचे बाथ है। इसमें वॉश बेसन है और नीचे ये सीट लगी है और वेंटिलेशन के लिए भी जगह मौजूद है इसमें। तो एक रूम इसका ये है, यानी कि दो रूम अकाउंट होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन ये रूम लॉक है, अंदर कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है तो इसलिए इस रूम को लॉक किया गया है। इसमें भी एक बात है, जो पहले आपको रूम दिखाया उसमें भी बात है, इसमें भी एक अलग अटैच बात है। तो ये इसका हो गया फर्स्ट फ्लोर, जिसमें आपको दो बेडरूम्स, अटैच बाथ और एक किचन क्लियर किया है। और ये आगे थोड़ी सी स्पेस बनी है, यहाँ पर ये विंडो है, ये ग्लास की विंडो है, इसे आप ओपन करके वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दें कि घर का नक्शा पास है, रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है, जो कि मौका पर क्लाइंट के नाम पे फॉरवर्ड की जाए। और पर मरला रेट की बात करें यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिहाज से, तो तकरीबन 8 लाख रुपए यहाँ पर मरला चल रहा है रेट। और इस घर के रेंटल वैल्यू की बात करें तो एक पोर्शन 15,000 रुपये तक लग सकता है। तो अब हम इसके टेरेस पर आ चुके हैं, पहले हम देखते हैं ये ममटी जो TR और गार्डर पर सेट की गई है आयरन के, और ये विंडो बनी है बीच में वेंटिलेशन के लिए भी। इससे आगे ये इसका छत आ जाता है, ये पानी वाली टैंकी है, बड़ी टैंकी है पानी वाली। यहाँ पर सहूलियात की अगर बात मैं करूँ तो बिजली, पानी, सुई गैस, तमाम तरह ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद हैं। एक रूम छत पे भी मौजूद है, जिसे एज ए स्टोर रूम यूज़ किया जा रहा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये साथ ही बना हुआ है, ये जी रूम एज ए स्टोर रूम यूज़ किया जा रहा है। आप यहाँ पर कोई सामान वगैरह एक्स्ट्रा स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी TR और गार्डर पे है, तो ये राइट और लेफ्ट कंप्लीट व्यू आपको दिखा दिया। मज़ीद यहाँ पर ये भी क्लियर कर दें कि ये घर प्रॉपर ईंटों पे बनाया गया है, जी हाँ, सॉलिड ईंटों पे बनाया गया ये घर है। और इसके अलावा आपको दीवारों के साथ एक वाइट कलर का फ्रेम सा दिख रहा है, ये बच्चों के लिए लगाया गया है, अगर वो छत पे आते हैं खेलते हैं कहीं अनबैलेंस होकर नीचे ना गिर जाएं। तो ये ओवरऑल इस घर का प्रॉपर इंटीरियर आपको इस वीडियो में दिखाया। तो लास्ट में आपको इस घर की डिमांड और एड्रेस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इस घर की डिमांड 95 लाख रुपए है, जी हाँ, 95 लाख रुपए इस घर की डिमांड है। और ये घर मलिकाबाद में मौजूद है, शेर रबानी मस्जिद के पास है, मजीद नवाबाबाद GT रोड के करीब पड़ता है, तो ये एरिया वाह कैंट में शामिल होता है। अगर आप भी कोई घर या प्लॉट ख़रीदना चाहें या सेल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पिन किए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मौसूल हो।